संबंधित जो लैंड होटल है जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई, लैंड होटल के मालिक की हत्या के लिए हम रेकी करने आए हुए थे। हम लोग को एक सुपारी को मारने के लिए पैसा एक और व्यक्ति के द्वारा दिया गया था। बिहार के मुंगेर जिले में एक बीजेपी नेता ने ही अपनी पार्टी के पदाधिकारी की जान लेने की कोशिश की है। हत्या कराने के लिए उसने पहले भाड़े पर हथियारों का सहारा लिया और सारी साजिश रची, लेकिन पुलिस ने समय रहते हुए इन पूरे मामलों का खुलासा कर दिया और 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों गिरफ्तार व्यक्ति सुपारी किलर बताए जा रहे हैं। दोनों की निशानदेही पर ही साजिशकर्ता को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने रंजिश के चलते 3 लाख रुपये की सुपारी देकर हत्या कराने की पूरी साजिश रची थी। ज़िले के सफियाबाद ओपी थाना इलाके का यह पूरा मामला है, जहां से हत्या की नीयत से खड़े 2 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी मुस्कान होटल के मालिक और भाजपा नेता जमालपुर प्रखंड के मंडल अध्यक्ष किश्तो सिंह की हत्या करने की नीयत से रेकी कर रहे थे। इसका मुख्य साजिशकर्ता भाजपा का ही ओबीसी मोर्चा का जमालपुर नगर अध्यक्ष वशिष्ठ बताया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए साजिशकर्ता को उसके ईस्ट कॉलोनी थाना इलाके घर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस पूरे मामले की खुलासा किया है और इसमें जो 2 लोगों को भाड़े पर हत्या करने के लिए यानी सुपारी किलर को लाया गया था उसे गिरफ्तार किया और फिर उसकी निशानदेही के बाद ही उस शख्स की गिरफ्तारी अमल में आई है जो बीजेपी का नेता बताया जा रहा है और उसने अपनी ही पार्टी के पदाधिकारी की हत्या की पूरी साजिश की थी। इस पूरे मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, यानी सुपारी किलर्स को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है और उसके पास से 2 देसी कट्टा, 4 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस इन पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इसलिए कि इस साजिश में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के ही नेता का हाथ बताया जा रहा है और उनका नाम जो है वो असल जमालपुर नगर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष हैं वशिष्ठ, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है। और इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस कई अहम ऐसे मामलों का सुराग लगाने का प्रयास कर रही है कि आखिरकार क्यों, किस वजह से इस तरह की साजिश की गई और ये पूरा जो हत्या की साजिश का मामला था उसको लेकर के पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जो 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं उन दोनों ने ही कई अहम बातों का खुलासा किया और इस पूरे मामले में आगे की तफ्तीश की जा रही है और ये सिर्फ आपसी रंजिश ही बताई गई है अभी तक, लेकिन आगे पुलिस इसकी तफ्तीश में जुटी हुई है कि आखिरकार 3 लाख रुपया देकर उन सुपारी किलर को कहां से बुलाया गया, किन मामलों को लेकर के इस तरह की साजिश का ये सब कुछ जो है तरीका अपनाया गया और किस तरह से उन सारी चीज़ों को लेकर के पुलिस जो है अपने तरीके से जांच कर रही है। और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस ने खुलासा जो किया है वो सिर्फ जो आगे की तफ्तीश है उसको लेकर के कुछ बताया नहीं, लेकिन ये कहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उन गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर जो इस हत्या के मुख्य साजिशकर्ता थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ये अभी आपसी रंजिश का मामला है और इन सारे मामलों सर आज एक साजिश का खुलासा हुआ जिसमें 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर और साजिशकर्ता गिरफ्तार हुए, क्या मामला है क्या बताना चाहिए? रात में सफिया सराय ओपी प्रभारी को सूचना मिला, सूचना के बाद सत्यापन वो प्रस्थान के जहां 2 अपराधी की गिरफ्तारी हुई। हम दोनों के द्वारा बताया गया कि हत्या करने संबंधित जो लैंड होटल है जहां पर उनकी गिरफ्तारी हुई, लैंड होटल के मालिक की हत्या के लिए हम रेकी करने आए हुए थे। हम लोग को एक सुपारी को मारने के लिए पैसा एक और व्यक्ति के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तत्पश्चात दोनों की गिरफ्तारी हुई, फिर उनकी निशानदेही पर जो पकड़ जो जिन्होंने पैसा इन लोग को दिया था उसकी भी गिरफ्तारी हुई। उसमें एक आदमी नाम और आया है, कुल 4 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध यह प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें से 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 1 की गिरफ्तारी करना शेष है और अन्य बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है। सर क्या पहले से कोई दोनों के बीच पुरानी रंजिश या हत्या के पीछे की हत्या करवाने के पीछे की कुछ वजह सामने पाई गया? जैसा कि सामने आ रहा है बात अनुसंधान में जो बात आई है कि जमीन विवाद को लेकर पैसा देने वाले और जिनको मारने की बात हो रही दोनों पूर्व से जमीन विवाद
की बात प्रकाश में आ रही है, जो कि अनुसंधान में है, चीज़ें धीरे धीरे सामने आएंगी। सर क्या क्या बरामद हुई सर? 2 कट्टा की बरामदगी हुई है और 4 गोली की बरामदगी हुई है। तो सर जिसको मारने की धमकी रची गई थी वो भाजपा नेता है ये क्या है सर? तो अनुसंधान है, धीरे धीरे सामने आएंगी।